सुधीर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें क्या मालूम है वो तुम बताओ। अमर सर यहाँ MD बनने से पहले वो कहीं नौकरी करते थे, जबकि सच ये था कि वो कहीं नौकरी नहीं करते थे। क्या हुआ कैबिन? कैबिन में पहले सुधीर गया था, फिर कुछ समय बाद कल्पना भी चली गई। लेकिन भैया जब आप ऑफिस में थे तो ये सब कैसे हो गया? इस सुधीर की इतनी हिम्मत कि आपके सामने? अरे मैं नहीं था ऑफिस में, चाचा जी ने कोई जरूरी काम से मुझे बाहर भेज दिया। बहाने भी बनाए मैंने पर मानने को तैयार ही नहीं, फिर क्या करता, जाना पड़ा। मतलब जो कुछ भी हुआ आपके पीछे से हुआ? हाँ। फिर आपको कैसे पता कि चाचा जी को सुधीर ने सब कुछ बता दिया? बेवकूफ नहीं हूँ मैं, सब समझता हूँ। जब वापस लौटकर चाचा जी का मुंह मैंने उखड़ा उखड़ा सा देखा, तभी मैं समझ गया कि मेरे पीठ पीछे कुछ ना कुछ हुआ है। वो मेरी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन सुधीर और चाचा जी के बीच बात हुई, ये तुझे किसने बताया? रसिका ने, जासूस है वो। मैं उसे ऑफिस में मैंने रखा ही इसलिए ताकि मुझे बता सके कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं। उसी ने मुझे बताया कि सुधीर मेरी पीठ पीछे चाचा जी से मिलने केबिन में गए। काफी देर रहा वो, अब उसने वहां केबिन में कीर्तन तो करा नहीं होगा। ये तो अच्छा नहीं हुआ भैया, पता नहीं उसने चाचा जी से क्या क्या कहा होगा। मुझे तो लग रहा है कि चाचा जी जरूर यहाँ आएंगे। उन्होंने ऑफिस में आपसे इसलिए कुछ नहीं कहा होगा कि शायद वो वहां तमाशा नहीं करना चाहते होंगे, लेकिन वो यहाँ जरूर आएंगे और हम सबकी खबर लेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा? अगर वो यहाँ आ गए तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? ये तो खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको क्या बताऊं माँ। अर्जुन कल जरा ऑफिस लेट चली जाना, मेरे साथ बैंक जाना तुझे। बैंक? मगर किस लिए माँ? मुझे 2 लाख का कर्ज चाहिए बैंक से। माँ मैंने आपको समझाया था ना, फिर से आप। हाँ बात मेरी समझ में नहीं आ रही ना, इसीलिए तो। अरे तुम दोनों को ये घर दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे वसुधा की गृहस्थी दिखाई दे रही। तुम दोनों को तो इसकी चिंता है नहीं। माँ आप गलत समझ रही हो, हमें खुद से ज्यादा दीदी की चिंता है, उनकी परेशानी हमारी परेशानी है। आपको क्या लगता है, आपने जब से कहा है मैंने पैसे की व्यवस्था करने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की माँ, लेकिन कहीं से भी सफलता नहीं मिली। 2 लाख बड़ी रकम है, अगर 10-20 हजार की बात होती तो मैं कहीं से भी कोशिश कर सकती थी। इसीलिए तो घर गिरवी रख रही हूँ कि कहीं से पैसे का इंतजाम हो ही नहीं रहा। अरे अगर वसुधा नहीं इंतजाम कर पाई तो तू कैसे कर लेती? लेकिन माँ एक बार दीदी से बात तो कर लो, ऐसे उन्हें बिना बताए। जरूरत नहीं, मैंने 7 दिन की मोहलत दी थी उसे और कहा था कि अगर 7 दिन में पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तो मैं ये घर गिरवी रख दूंगी, और आज 8 दिन हो गए। हो सकता है दीदी ने पैसे की व्यवस्था कर ली हो। कैसे करेगी? अगर कर ली होती तो मुझे ना बताती। नहीं, वो परेशान हो रही होगी कि
कि पैसे का इंतजाम कहां से करें, तभी तो उसने मुझे फोन नहीं किया। माँ, दो चार दिन और नहीं रुक सकते क्या? नहीं बेटा, अमर के चाचा जी आजकल में ही आने वाले हैं। अगर वसुधा के घर वालों ने कंगन बेचने वाली बात चाचा जी के सामने कर दी तो वसुधा तो उनकी नजरों से गिर जाएगी ना। और ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। लेकिन माँ, वो लोग ये बात उन्हें बताएंगे जरूरी तो नहीं है ना? कैसे नहीं बताएंगे? अरे जब हर बात की शिकायत वो मुझसे कर सकते हैं तो चाचा जी को क्यों नहीं बताएंगे? वो तो इसी बात की ताक में रहते हैं कि कब वसुधा को चाचा के सामने गलत ठहराया जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी वसुधा की गृहस्थी पे हाथ नहीं आने दूंगी। तू मेरे साथ बैंक चल रही है, बस बात खत्म, खाना खाओ। मम्मी, और कितने दिन इस तरह हम डर डर के रहेंगे? मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, चलो ना 5-6 दिन के लिए कहीं निकल चलते हैं। किधर चलते? ये कह रही है कि 5-6 दिन के लिए मैं इसे कहीं बाहर ले जाऊंगी, जब चाचा जी का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। ओ, बहुत अच्छे। जब चाचा जी का सारा गुस्सा मेरे ऊपर ठंडा हो जाएगा तब तुम लोग वापस आओगे। अरे कैसी बहन हो तुम, मुझे बीच मझधार में छोड़कर भागने की तैयारी कर रही। चाचा जी के आने के बाद लो, चाचा जी आ गए। मैं तो नहीं खोलूंगा। मैं भी नहीं खोलूंगी। करे तो क्या करे? क्या बात है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? कब से डोरबेल बज रही है? यस वसुधा मैडम, मई वड़कम वड़कम। रात को आई हो, सब ठीक तो है ना? यस एवरीथिंग गुड, बट नॉट वेरी गुड मैडम। तुम तो जानती फूफा जी का ट्रांसफर होती और मई जॉबलेस होती मैडम। मैं इधर जॉब के लिए आती। टेल मी, तुम मेरे को जॉब पे रखती ना अम्मा? मैं गुड कुक, अच्छा खाना बनाती, फुल हाउसवर्क करती, तुम जानती ना अम्मा? हाँ, वो सब तो ठीक है, पर एक मिनट आओ। मम्मी जी, ये विजया लक्ष्मी है। यो नो 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 नो, विद्या सुब्रमण्यम लक्ष्मी। मेरे फूफा जी क्या काम करती थी, बहुत अच्छी है, घर का सारा काम जानती है। मम्मी जी, अगर आप कहें तो हम इसे काम पर रख लें घर पर। मम्मी, बेटे बेटाई नौकरानी मिल रही है, भैया भाभी तो दिन भर काम पे चले जाते हैं, सारे दिन हम दोनों को घर में कमर तोड़नी पड़ती है। अभी इतने टेंशन के माहौल में हम चाचा जी के बारे में सोचे, ये
प्लीज इसके बारे में सोच। मम्मी हमें पैसे भी नहीं देने होंगे, भाभी की जानकार है तो भाभी। अयो अम्मा रख लो ना अम्मा, मेरे को जॉब की जरूरत होती। मैं मार्केटिंग भी करती, मैं फ्रूट्स लाती, वेजिटेबल्स लाती, मिल्क लाती, एवरीथिंग। आई एम वेरी ऑनेस्ट अम्मा। मम्मी इंग्लिश तो देखो इसकी, हमें मुफ्त में इंग्लिश का टीचर भी मिल जाएगा, रख लेते। मम्मी जी देख लीजिए ना, इसे काम की जरूरत है। अब देखो वसुधा, घर में अभी ज्यादा काम तो है नहीं, मैं और सुमन संभाल ही लेते हैं सब। अब फिर भी मैं सोचती हूँ, तुम ऐसा करो इसे अभी जाने दो, बाद में देखते। ठीक है मामी जी। ओके मैडम जी, मैं जाती, मैं सोचती कि इधर जॉब जरूर होती, बट दिल छोटा मत करो, तुम्हें काम जरूर मिल जाएगा, यहाँ नहीं तो कहीं और। वसुधा की जानकार है, कहीं चाचा जी के सामने वसुधा की पक्ष लेने लग गई तो। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे हर काम अप टू डेट चाहिए, लेकिन कोई काम कंप्लीट नहीं है। स्टॉक की फाइल इनकम्प्लीट है, मार्केट में हमारी कंपनी के आउटस्टैंडिंग ड्यूज है उसकी फाइल इनकम्प्लीट है, फैक्ट्री में कितने दिन का स्टॉक बचा है हमें ये भी नहीं पता, और करते क्या हो तुम लोग, पीठ पीछे मेरी चुगली बस। ये मत समझना कि बड़े सर आ गए हैं तो सब काम तुम अपनी मर्जी से करो, यहां पर सारा काम मेरे हिसाब से ही होगा। और जिसे मेरे हिसाब से काम नहीं करना है वो ये कंपनी छोड़कर जा सकता है। यहां पर मैं पैसे काम करने के देता हूं, चुगली करने के नहीं। क्या समझते हो तुम लोग, मुझे कुछ पता नहीं चलता? इस ऑफिस में कौन कितनी सांसें लेता है ना, वो भी मुझे पता चलता है। मुझे सारे काम आधे घंटे में कंप्लीट चाहिए, समझे? सॉरी सर, ये काम आधे घंटे में नहीं हो सकता है। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना। सर मेरे पास पहले से ही बहुत काम है, मैं इतने सारे काम अकेले नहीं कर सकता, और वैसे भी ऑफिस में स्टाफ कम, इसलिए ये काम आपको खुद करना होगा। बड़े सांप के आते ही तुम लोगों के रंग ढंग बदल गए। जी सर, और आपसे भी प्रार्थना है कि अपने स्टाफ से बात करने का तरीका आप भी बदल लीजिए। और वैसे भी ऑफिस में स्टाफ कम, इसलिए ये काम आपको खुद करना होगा। मुझे? मैं इस कंपनी का MD हूँ, अब सब काम मुझे ही करना पड़ेगा क्या? जी सर, एक कंपनी के MD को सारे काम आने का, ताकि जरूरत के समय वो सारा काम कर सके। और सर
कंपनी को आपकी जरूरत है। जब दो तीन स्टाफ बढ़ जाएंगे तो वो लोग काम संभाल लेंगे। समझ रहा हूँ मैं, क्यों ये जबान केटी की तरह चल रही है। बड़े सांप के आते ही तुम लोगों के रंग ढंग बदल गए। जी सर, और आपसे भी प्रार्थना है कि अपने स्टाफ से बात करने का तरीका आप भी बदल लीजिए। हम इस कंपनी के सहायक, कोई पदुआ मजदूर नहीं है। सुधीर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुधीर ही सबको भड़का रहा है। पर मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। लगता है चाचा जी की शरण मिल गई है इसको। कुछ तो करना पड़ेगा। शिल्पी, तुम टेंट वालों से बात कर। कैंप में उसे जो भी सामान भेजा था, टेबल कुर्सी टेंट वगैरह, वो सबका प्रॉपर बिल चाहिए मुझे। उसने जो सादे कागज पर लिखे भेजा है वो नहीं चलेगा। ठीक है वसुधा, मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। अच्छा, बाकी सारे बिल्स तो ठीक है ना, या और भी किसी से बात करनी है? अभी तो ठीक है, मैं और चेक करके बताती हूँ। अरे रेनू, तुम लेट आई। वसुधा, वो मैं आज फैमिली कोर्ट चली गई थी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। देखना, जीत तुम्हारी ही होगी। बस कितना भी अपना जोर लगा ले, लेकिन सच्चाई के आगे उसे हारना ही पड़ता है। शिवानी, हेलो शिवानी। दीदी, मैं आपसे बात करेंगी। हेलो वसुधा। हाँ माँ, बोलो। बेटा, टाइम निकाल कर घर पे आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। अब क्या हुआ माँ? अरे घर पे आओगी तो बताती हूँ ना। पर माँ बताओ तो सही, बात क्या है? तू घर पे आ रही है कि नहीं? माँ अभी ना आती हूँ, पर थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, रखती हूँ। ठीक है। चल बैठ। पहले बताओ, आपने इस तरह अचानक फोन करके क्यों बुलाया? थोड़ी देर बैठ तो सही, बताती हूँ। अरे दीदी, आप कैसी हो? आप हमेशा आती हो और मुलाकात ही नहीं हो पाती, हमेशा माँ से मिलकर चली जाती हो, हमें तो भूल ही गई हो आप। हो गई शिकायत कि और भी बाकी है? और भी बाकी है, लेकिन सब एक साथ नहीं करूंगी, नहीं तो आपको हजम नहीं होगा। तू आज ऑफिस नहीं गई? नहीं दीदी, आज ऑफिस से मैंने छुट्टी ली थी। वो माँ को कुछ काम था बैंक में। बैंक में? माँ, आपको क्या काम था बैंक में? वो तू बैठ, मैं आती हूँ। अर्जुन, देख मुझसे कुछ छुपा मत। बात क्या है ये बता। तूने ऑफिस से छुट्टी ली है, माँ बैंक गई थी, मुझे ये फोन करके बुलाया है, क्या है ये सब? दीदी, माँ कुछ दिनों से बहुत परेशान है। वो 2 लाख रुपए किसी भी हालत में आपके ससुराल में वापस करना चाहती है, पर उन्हें लगता है कि आप पैसों की व्यवस्था नहीं कर पाएंगी, इसलिए माँ ने। बोल, क्या क्या माँ ने? अपनी सास को दे देना और मेरी तरफ से माफी मांग लेना। कहना कि ये गलती हमसे अनजाने में हुई थी।
बोर क्या क्या माने बोलना। मैंने इस घर के पेपर गिरवी रख दिए। मैंने तुझे पहले कह दिया था 7 दिन के अंदर अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं इस घर के पेपर गिरवी रख दूंगी। पर माँ मैंने भी तो आपसे कहा था ना कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने ससुराल वालों को समझा लूंगी और फिर माँ मैं कोशिश तो कर ही रही थी ना। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। अमर के चाचा जी आने वाले हैं। उनको ये सब बातों का पता चले उससे पहले ही तू ये पैसे अपने सास को दे दे, मामला दब जाएगा। फिर माँ घर गिर भी रखा। बेटा तेरी खुशियों से बढ़कर नहीं है ये घर। और फिर हम ये पैसे चुका देंगे एक बार आकाश की नौकरी लग जाए। और फिर अर्जू भी तो कमा रही है ना। हाँ दी। देख बेटा तेरे पापा के जाने के बाद तूने अपने बारे में नहीं सिर्फ इस घर के बारे में सोचा। मेरी खुशियों के बारे में सोचा, अपने भाई की अपनी बहनों की खुशियों के बारे में सोचा। अब मैं इतनी स्वार्थी तो नहीं हूं कि तुझ पर मुसीबत आई है और मैं आंखें फेर लूं। कोई मुसीबत नहीं है माँ, मैं सब ठीक कर लेती। बेटा मुझे झूठी तसल्ली मत दे। अगर बात तेरे घर से निकलकर मुझ तक पहुंच सकती है तो तेरे चाचा जी तक नहीं पहुंचेगी, क्या गारंटी है? देख बेटा घर की एकता बनाए रखने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। मैं नहीं चाहती ये कंगन बेचने वाली बात पे तुझे कोई परेशानी हो, तुझे अपने चाचा जी के सामने शर्मिंदा होना पड़े, उन्हें सफाई देने पड़े। देख बेटा तुझसे ये गलती हमारी वजह से हुई है तो इसकी भरपाई भी तो हम ही करेंगे ना। लेकिन माँ। ना बेटा कुछ मत बोल, हमेशा तूने ही किया है हमारे लिए, अब अपनी माँ को अपने लिए कुछ करने दे। ये ले बेटा अपनी सास को दे देना और मेरी तरफ से माफी मांग लेना, कहना कि ये गलती ही हमसे अनजाने में हुई थी, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा बोल देना। अर्जुन अब तू ही समझा माँ को। मैं क्या समझाऊं दीदी, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि आप ये रुपए उनको लौटा दीजिए और यही ठीक होगा। आपकी खुशियों से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। मेरे नहीं रहने के बाद मेरी सारी चल अचल संपत्ति पर मेरी बहू वसुधा का हक होगा। और सिर्फ वसुधा का। क्या हुआ? कि तुम क्या कह रहे हो? वीरेंद्र भाई साहब, तुम्हारा भतीजा अमर, भतीजी सुमन, किसी का नाम कुछ नहीं।